अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ दाल चावल। उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो है कुछ यू। उसके लिए मुझे चाहिए साबित मसूर, जो कि मैंने ली है 6 चम्मच। इसके साथ ही मैं डालने लगी हूँ माश की दाल, जो कि है 3 चम्मच, मसूर की दाल जो कि है 3 चम्मच, मूंग की दाल जो कि है 3 चम्मच, चने की दाल जो कि है 3 चम्मच। इसमें जाने लगे हैं टमाटर, जो कि मेरे पास थे 3, जिनका मैंने छिलका उतार के उनका पेस्ट बना लिया। दही जाने लगी है 2 चम्मच, नमक, हसबे जायका। इसमें जाने लगी है लाल मिर्च, हल्दी 1/2 चम्मच, टमाटो पेस्ट 1 टेबल स्पून, और अदरक पिसा हुआ है मेरे पास 1 टेबल स्पून। साथ ही ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हैं गार्निशिंग के लिए, जिसमें मेरे पास है लेमन, हरा धनिया, ग्रीन मिर्चें साबित भी हैं मेरे पास और कटी हुई भी हैं, पिसा हुआ है मेरे पास लहसुन जो कि है मेरे पास 2 चम्मच। और दाल के साथ क्योंकि मैंने चावल बनाने हैं तड़के वाले, उसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप चावल जिनको मैंने भिगोया हुआ है, और इसमें जाएगा नमक और साबित ज़ीरा और ये प्याज इस तरह से बारीक कटी हुई। मैंने चावलों को तड़का लगाने के लिए ये एक पैन लिया। पैन में मैं 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल चुकी हूँ और साथ ही जाने लगी है ये प्याज जो कि है बारीक कटी हुई, ये है 1/2। साथ ही मैं इसमें डालने लगी हूँ ये साबित सफ़ेद ज़ीरा जो कि है 1/2 चाय का चम्मच। इसको मैंने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा इसमें जाएगा पानी, नमक और चावल। प्याज मेरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब चावल क्योंकि मेरे पास 2 कप थे भिगोए हुए, इसमें पानी जाएगा 3 कप। और साथ ही में जाएगा इसमें नमक जो कि है मेरे पास 2 चम्मच छोटे। जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। पानी को बॉयल आ चुका है, अब इसमें ये चावल जाने लगे। और मैं इसे कवर करके हल्की आंच पे रख दूंगी। दालें थी तमाम, मैंने उन दालों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने उनको 1/2 घंटे के लिए भिगो दिया। भिगोने के बाद अब ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है जिसमें मैंने 4 कप पानी लिया। अब मैं पानी में, ये पानी जब मेरा बॉयल हो चुका है तो उसमें ये मैं दाल डालने लगी हूँ। जैसे इसमें दाल डालूंगी, दाल के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये नमक जो कि है 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्चें जो कि है 1 टेबल स्पून, हल्दी जो कि है 1/2 टीस्पून, साथ ही ये मेरे टमाटर जो मैंने लिए थे
पीस के बगैर छिलके के ये जा रहे हैं। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैं इसको 15 मिनट के लिए बंद कर दूंगी। दस मिनट में ही जब चावलों का पानी खुश्क हो गया तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए मैं इसको दम लगाने लगी हूँ चावलों को। और साथ ही ये दाल जिसको मैंने खोला तो वो इस शक्ल में थी। इसके साथ मैंने इसमें दही, टमाटो पेस्ट और अदरक का पेस्ट और ये साबित मिर्चें हरी वाली ये डाल दी। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कुक करूँगी कि मेरा दही का पानी ये जो था खुश्क हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसको तड़का लगाऊँगी। दाल क्योंकि घी के बगैर बिल्कुल अधूरी है तो मैंने आधा कप घी लिया और उसमें ये पिसा हुआ लहसुन डाल दिया है तड़का लगाने के लिए। लहसुन को हल्का सा कलर देना है मैंने। चावल भी मेरे तड़के वाले तैयार हो चुके हैं, इनको मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया। और ये दाल, इसको मैंने निकालने के बाद इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें, लेमन, ये इससे इसकी गार्निशिंग की है। और साथ ही इसके लिए जो सर्विंग की जाती है वो है खीरे और टमाटर की ये चटनी और ये आम का अचार। ये इसके साथ दोनों का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। और ये दाल चावल मैंने बनाए हैं, ये मेरी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो ज़रूर कमेंट पर, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। और इसकी सिंगल सर्विंग कुछ इस तरह से होगी। इसको भी मैंने अचार और चटनी के साथ इसकी सर्विंग की है